तो कुल मिलाकर तैयारियां सारी इसराइल की तरफ से कर ली गई है और अब बस एक्शन की बारी है। और क्या ये एक्शन ले लिया जाए, इसके मद्देनजर पहले सिक्योरिटी कैबिनेट में मीटिंग भी हुई और उस पर ये मोहर लगाई गई। उसके बाद अब इंतजार है कि आखिरकार क्या एक्शन लिया जाने वाला है ईरान में। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कई सारे बड़े साइबर अटैक के मामले भी सामने आ रहे हैं। कई सरकारी संस्थानों के ऊपर ये साइबर अटैक किए गए हैं, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हुए हैं ये साइबर अटैक। ये बड़ी जानकारी, ईरान के अंदर ये साइबर अटैक जिन्हें अंजाम दिया जा रहा है, ईंधन वितरण के ऊपर और उसके पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर ये साइबर अटैक का मामला सामने आया है। कई बड़े साइबर अटैक के, कई सरकारी संस्थानों के ऊपर साइबर अटैक के मामले। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान समय जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी साहब हमारे साथ उपस्थित है, बहुत स्वागत है सर आपका, और पूर्व राजनयिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भी हमारे साथ जुड़े हुए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले त्यागी साहब, शुरुआत आपके साथ, क्या होने वाला है, जो सिक्योरिटी कैबिनेट में मोहर लगाई गई है एक्शन पर, क्या लगता है इसराइल का अगला एक्शन अब क्या होगा ईरान पर? देखिए, जब ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल के ऊपर आक्रमण किया था, उसके बाद कुछ डाउट था कि इसराइल रिटेलिएट करेगा या नहीं करेगा, अमेरिका भी चुप था। करीब 50 दिन के बाद अमेरिका ने चुप्पी तोड़ी। अमेरिका की और नेतन्याहू की, यानी कि जो बिडेन की और नेतन्याहू की आपस में बातचीत हुई, और वो बातचीत 1-2 मिनट नहीं, 30 मिनट चली। यहाँ से क्या पता लगता है, अगर ये 1-2 मिनट 5 मिनट बात चली होती तो शायद ये होता कि आप अटैक या रिटेलिएट नहीं करेंगे। 30 मिनट का मतलब ये है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये समझने में कि अमेरिका ने गो अहेड दे दिया इजराइल को कि आप ईरान के ऊपर अटैक करें। अब जब ये तय हो गया कि अटैक करें, तो फिर ईरान की कैबिनेट में बात आई कि हम अटैक करें, उनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने भी ओके कर दिया कि आप अटैक करें। अब अटैक करें कहाँ, उनके पास में 3 अल्टरनेटिव्स हैं, या तो वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक करें, आधा दर्जन न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान की हैं, या वो ईरान के तेल के कुओं पर अटैक करें, या वो ईरान के कमांड सेंटर और वेपन डिपो पर अटैक करें। अमेरिका ये कह रहा है कि आप इसमें न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक ना करें, मगर यही एक क्वेश्चन मार्क है। अमेरिका और इसराइल आज से नहीं, पुराने समय से उनकी एक ही बात है कि किसी भी कीमत पर ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन जाए। अब अगर न्यूक्लियर पावर ना बन जाए और ये प्रायोरिटी है, तो बहुत मुमकिन है कि कहना कुछ और करना कुछ, बहुत मुमकिन है कि एक टैसिट अप्रूवल हो कि इजराइल अटैक भी करे और उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर अटैक करे। पर थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करता है और वो तेल के कुओं पर अटैक करता है, तो ईरान ने क्या कहा है? ईरान ने कहा है कि मेरे अगर तेल के कुओं के ऊपर अटैक हुआ, तो खाड़ी में जितने भी देश है, किसी भी देश ने अगर इसराइल को अपने देश से उड़ने की इजाजत दी अपनी मिसाइलों की या एयरक्राफ्ट की, तो वो खाड़ी का देश ही दुश्मन नहीं होगा, खाड़ी के सारे देश दुश्मन होंगे, और जहां जहां जिनके तेल के कुएं हैं, मैं उनके ऊपर अटैक करूंगा। अब सऊदी अरब बुरी तरह से डर गए, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम अपने यहाँ से इसराइल को गुजरने का या बेस बनाने का इजाजत नहीं देंगे। यानी कि सिचुएशन अब विकराल हो चुकी है उधर। लेकिन इतने के बाद में भी चीजें समझनी पड़ती हैं। ईरान और लेबनान में हिजबुल्ला बुरी तरह डरे हुए हैं। इसका पता कैसे लगता है? इसका पता ऐसे लगता है कि लेबनान का जो एम्बेसडर है हिंदुस्तान में और जो ईरान का एम्बेसडर है हिंदुस्तान में, दोनों ने मोदी से करीब करीब गुहार लगाई है और उन्होंने कहा है कि हम लेबनान में लिटानी रिवर से आपके बॉर्डर तक खाली करने को तैयार हैं, और हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि जैसे हिजबुल्ला ने पहले कहा था कि जब तक हमास के ऊपर इजराइल के हमले बंद नहीं होंगे, हम भी अटैक करते रहेंगे, हम इस शर्त को भी वापस लेने के लिए तैयार हैं। ये क्या बताता है? ये बताता है कि ये पूरी तरह से डरे हुए हैं। ईरान क्यों डरा हुआ? ये तो लेबनान का होगा। ईरान इसलिए डरा हुआ है कि उसका जो कानी, जो एक उसका कमांडर इंटेलिजेंस का,
वो पता लगा कि वही वो था जिसने खबर दी नसरुल्ला की और जिसने नसरुल्ला का जो और ईरान सर अब और भी ज्यादा इसलिए भी डर गया होगा क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी जो तेल के कुएं है वहां पर, जो पूरा ईंधन को वो पूरा पूरे दुनिया के अंदर वो जो डिस्ट्रीब्यूट करता है उसको भी पता है, उसको भी इसी बात का घमंड होगा। और अब वहीं पर उसके पूरे के पूरे सिस्टम पर वहां पर साइबर अटैक जो किए जा रहे हैं तो उसको इस बात का भी डर सता रहा होगा कि अगर ये खत्म हो गया तो क्या ही बचेगा मेरे पास, कैसे ही लड़ूंगा फिर मैं आगे इस जंग में। जी आपने मेरे से पूछा त्यागी सर, जी जी, लेकिन मुझे तो समझ में नहीं आया। साइबर अटैक तो यस ईरान के डिफरेंट इंस्टॉलेशंस के ऊपर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इजराइल ने साइबर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। इजराइल की क्षमता से ईरान पहले ही डरा हुआ है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आज से 10-11 साल पहले स्ट्रक्स नट कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल करके उनके कंप्यूटर प्रोग्राम को डिले किया था तो वो इजराइल की इस कैपेसिटी को जानता है। तो अगर साइबर अटैक और प्लस जो फिजिकल अटैक करने का उसने कहा है कि मैं अपनी जगह पर अपने टाइम पर अपनी कन्वीनियंस के से अटैक करूंगा, लेकिन ऐसा अटैक करूंगा जो आउट ऑफ बॉक्स होगा, ऐसा अटैक करूंगा जो सरप्राइज होगा, और ऐसा अटैक करूंगा कि ईरान जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी, यानी कि बहुत इफेक्टिव अटैक। इसी चीज को डिकोड करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या प्लान फिर इसराइल तैयार करे बैठा है, जिस बात का आपने भी जिक्र किया टीपी त्यागी साहब की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, किस तैयारी में इसराइल बैठा हुआ है और ईरान के ऊपर खास तौर पर उसका पूरा का पूरा जो ईंधन जहां से पूरा प्रोसेस होता है आगे बढ़ता है अन्य तमाम देशों तक पहुंचता है, उस सिस्टम के ऊपर साइबर अटैक क्या इशारा करता हुआ? देखिए, ईरान ने जो अभी अटैक किया था उस अटैक में चूंकि वार है, त्यागी साहब इस बात से एग्री करेंगे कि कभी भी कोई कंट्री अपनी बात को नहीं बताता है कि हमारा कितना नुकसान हुआ और कैसे हुआ और क्या हुआ, सिर्फ यही कहता है कि हमारा कोई नुकसान हुआ, चाहे ईरान हो चाहे वो इजराइल हो। आपको मैं ही बता दूं कि जो लड़ाई शुरू हुई है इस लड़ाई में छोटे छोटे देशों को उसने निशाना बनाया इजराइल ने, और सबसे पहले तो उसने कोशिश की अपना ग्रेटर इजराइल बनाने के चक्कर में उसने सबसे पहले फिलिस्तीन को कब्जा करने की कोशिश की है, उसके बाद उसने लेबनान से घुसा है, उसके बाद वो सीरिया और हुती वगैरह एरिए में घुसने की कोशिश करेगा, हमास से तो निकल गया, हिजबुल्ला में आ गया लेबनान में, उसके बाद ये हुती भी हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं उन सब से लड़ता हुआ ये सीधे कोशिश कर रहा है। 4-6 फ्रंट, मैं कहूँगा 7 फ्रंट खोल लिए हैं, ये उसके लिए हानिकारक होगा। कितना ही बड़ा विश्व का वो समझदार हो, लेकिन अभी जो पड़े हैं तो उनके सब डोम कहाँ गए, कोई डोम जो आयरन डोम बना रही थी सेफ के लिए वो कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, जितना डैमेज करना था हिजबुल्ला ने भी किया फर्स्ट अटैक में और सेकेंड अटैक में ईरान ने भी किया है। और इसी बात को सब देखते हुए चूंकि उसके पीछे इसराइल के पीछे जो है यूएस है, तो यूएस ने साफ कह दिया है चूंकि सब पूरे विश्व की निगाहें वहां पर हैं, और अभी हमारे मोदी जी भी गए थे, उन्होंने भी वहां के जो प्रेसिडेंट थे फिलिस्तीन के उनसे भी पूछा और बात की और अपना सिंपैथी दिखाई, साथ में यूएस के भी सामने ये बात रखी कि देखिए लड़ाई से कुछ हल निकलने वाला नहीं है। अभी देखिए यूक्रेन और रशिया की बात चल रही थी, उसमें भी यही बात आई शांति की। अभी आज जो मैं देख रहा था न्यूज में कि ईरान के भी जो एम्बेसडर इंडिया में हैं उन्होंने भी पहल की है कि अगर इंडिया इसमें आए आगे तो ये वार्ता हो सकती है और ये युद्ध रुक सकता है। तो अभी आप ये देखेंगे कि यूएस ने भी मना कर दिया है इसराइल को कि देखिए आप सीधा अटैक उनके परमाणु ठिकानों पर नहीं करेंगे, उसके बाद ऑयल सेक्टर में बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है कि परमाणु में उन ये क्लियर कट मैं बता दूं कि परमाणु का उनका प्रोग्राम है वो ऊपर नहीं है, वो अंडरग्राउंड चल रहा है। इस बात को उसको पता लग गया है अमेरिका को कि उनके जो परमाणु उनके कार्यक्रम है वो अंडरग्राउंड चल रहे हैं, ऊपर वाले तो देखने के लिए थे। और परमाणु ठिकानों पर अटैक करने का मतलब तो सीधे सीधे न्यूक्लियर वॉर की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद तो फिर किसी भी देश के पास हाथ में बचेगा ही नहीं कंट्रोल करने के लिए। एक चीज
हाँ एक चीज और अटैक करो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अरब देश हैं उनमें आपका जॉर्डन है जो बॉर्डर लगा हुआ है, मैं वहां गया भी हूँ, सऊदी अरब है, कतार है, इन लोगों ने साफ मना कर दिया है कि इसराइल को हम एयर स्पेस लड़ाई के लिए नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले भी शांत थे, उससे पहले तो इन लोगों ने उनकी जो मिसाइल थी वो ईरान की मार गिराई थी पहले अटैक में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वक्त इन लोगों का बिल्कुल साइलेंट व्यू है, साफ मना भी कर दिया उन्होंने कि हम एयर स्पेस को यूज नहीं करने देंगे लड़ाई के लिए। ईरान के जो परमाणु ठिकाने हमने आपको बताया कि वो अंडरग्राउंड है, भूमिगत है, इस वजह से उनको ठिकाना बनाना बड़ा मुश्किल है। जहां तक इनका हमला जो है असफल होने की बात है ईरान के ऊपर, वो सीधा हमला नहीं करेगा, सीधा हमला नहीं करेगा, अब करेगा तो तरीके से करेगा। इसलिए ईरान ने अपने जो टॉप कमांडर है जो पकड़े गए, अभी आप बता रहे थे, ये कह देना कि देखिए स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, अब सही समय आ चुका है, तो इससे क्या समझा जाए फिर? देखिए लड़ाई इस तरीके से अगर होगी तो हमारा विश्व में शांति हो जाएगी। और ये बिल्कुल ना समझें कि इनके पीछे रशिया नहीं है, इन जो वेपन अभी दिए थे आपको पता होगा उसमें कुछ मिसाइलें जो है रशिया की थी जो उनके उसमें आयरन डोम में नहीं दिखी और उन्होंने जाके ठिकाने पे मार किया। तो रशिया भी पीछे सप्लाई करेगा, चाइना भी इनके पीछे, क्यों? कि उनके सामने यूएस है, ये इसराइल नहीं है, यूएस है। अगर इसराइल की जीत होती है तो यूएस की जीत होती है और वह इंटरफेरेंस करेगा, इसलिए उसको देख रहा है पीछे से चाइना, रशिया, और उधर ने भी अपने तोपे उसने साउथ कोरिया ने भी नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की तरफ लगा दी है और अमेरिका की तरफ भी लगा दिए, उनको टेस्ट मिसाइल कर चुके हैं वो। और अभी भी कुछ यहाँ पर कुछ हुआ था जो जमीन हिल गई थी ईरान में, तो ईरान में ही समझा गया था कि इन्होंने अपना परमाणु टेस्ट किया है। इसलिए सब बातों को देखते हुए, और हमारा भारत भी उसको सपोर्ट नहीं करता, हमारा भारत जो है हमेशा शांति चाहता है, टेबल टॉक चाहता है। अब देखिए जहां तक अमेरिका की धमकी है, मुझे जवाब दीजिए कि 2 साल से रशिया के साथ वार कर रहा है और पीछे हट गया, इसी तरह इसका होगा इसराइल का, पूरा साथ देने वाला नहीं, क्यों? और वैसे उसको भी विश्व स्तर पे देखना है कि अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, वो ज्यादा भरोसेमंद है नहीं। टीपी त्यागी साहब, इस बात को इसराइल भी भली बाती समझ रहा होगा। जी जी, मैं मोहम्मद अमीन साहब की बात से सहमत हूँ, यहाँ तक कि कोई कंट्री ये नहीं बताता कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इसराइल की खासियत ये है, पहले तो पूरे बैरूत में उस बिल्डिंग को इंटेलिजेंस से तय करना, फिर उसके प्रिसाइज वेपन से उसी बिल्डिंग को अटैक करना, और फिर तीसरा जब अटैक हो जाए तो डैमेज असेसमेंट की पिक्चर दुनिया को दिखाना। लिया जा जो कुछ इसराइल कह रहा है कम से कम उसको तो सच माना जाएगा। पर अब मैं इस बात पे आता हूँ, जैसे सर ने कहा कि इसराइल का कोई साथ नहीं देगा, मैं कहता हूँ किसी के कहने पे नहीं, आप लॉजिक पे जाइए। जो चीन, रशिया और ईरान की एक तिकड़ी आप समझ रहे हैं कि ये तिकड़ी अलग अलग तो नुकसान पहुंचा सकते हैं अमेरिका को या इसराइल को, लेकिन इनका आपस में जो स्ट्रक्चर है वो उस तरह का कोहेसिव या मोनोलिथिक नहीं है जैसे नेटो है। अब देखिए जैसे रशिया है, रशिया ईरान का साथ दे रहा है, मगर ये सपोर्ट कन्वीनियंस की है, कन्विक्शन की नहीं है। यही रशिया है जिसने अमेरिका का साथ दिया था जब अमेरिका ने न्यूक्लियर बम के बारे में ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, उस समय रशिया ने अमेरिका का साथ दिया था। यही रशिया है जिसे अब जरूरत नहीं है ईरान की, जो ड्रोन उसे लेने थे ले लिए, अब वो खुद बनाने लगा है, बल्कि अब तो उसने स्टेल्थ ड्रोन जो अपने यहाँ बनाए हैं वो हिजबुल्ला को और ईरान को दिए हैं। अब चाइना को लीजिए, चाइना और ईरान को कहते हैं कि चाइना बड़ी मदद करेगा। भाई जो ईरान के एडवर्सरी हैं सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट, उनके साथ में चीन का व्यापार है $190 बिलियन $190 बिलियन और ईरान के साथ कितना है $16 बिलियन। उसके लिए ईरान की इम्पोर्टेंस है कहाँ? उसके लिए इम्पोर्टेंस सऊदी अरेबिया और यूएई की है। तो ये कह देना कि ये जो कंट्रीज हैं, ये चाइना रशिया, उधार की ताकत वक्त पे काम नहीं आती, और ईरान के और बाकी इन कंट्रीज के रिलेशन ऐसे नहीं है जैसे अमेरिका और इसराइल के हैं। इसे ही कहते हैं प्रोपोर्शंस में चीजों को समझना। इनके रिलेशन ऐसे हैं जो तोड़े ही नहीं जा सकते,
कारण यह है कि अमेरिका ने खुद ही मिडिल ईस्ट में ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए इजराइल को 1948 में वहां स्थापित किया था। तो अमेरिका इजराइल को कैसे छोड़ देगा? वो कहता रहे कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक ना करो, लेकिन अगर करता है इसराइल को वो क्यों ही करता? और इसके अलावा अमेरिका का तो ऐसा इतिहास ही रहा है, क्यों अमीन साहब? देखिए, सवाल इस बात का है कि सिचुएशन बदलती रहती है। हमारे देश के भी जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी सिचुएशन को देखते रहते हैं, रिपोर्ट करते हैं कंट्रीज को। आप अभी देखिए ना, रिसेंटली जो चाइना और रशिया मिला, चाइना और कोरिया मिला, रशिया और कोरिया मिला, ये सब क्या है? और उसके बाद भी आप देखिए ना कि जो सऊदी अरब है उसके साथ ईरान मिल के आया, उसने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे किए। तो सिचुएशन बदलती रहती है, ये पुरानी हिस्ट्री में ना जाए, क्योंकि हमारा भी देखिए, कभी हमारा भारत कभी अमेरिका से डरा करता था, आज अमेरिका को डराने की स्थिति में है। चाइना से डरा करता था, आज हमारा भारत चाइना को डराने की स्थिति में है और उनके ऊपर चढ़ के बात करता है। 62 वाला चाइना इंडिया नहीं है और 65 वाला आज हमारा देश डिसाइडिंग फैक्टर है। यानी वो आज रशिया की जो वार है और क्या नाम यूक्रेन की वार में घुस के उनकी बात तय करना चाहता है, अमेरिका से कोई बात नहीं मानता। आप देखेंगे सैंक्शन लगाए थे उसने रशिया के ऊपर, ईरान के ऊपर, लेकिन हमारे देश ने नहीं माना। हमारा देश उससे तेल ले रहा है और उनके रिश्ते अच्छे हैं। तो ये सब कहना एक अलग स्तर की बात है, लेकिन ये दुनिया जानती है कि जो अमेरिका है वो अब डुअल पॉलिसी करता है, कभी इधर कभी उधर, 50-50 है, उसका कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। आप याद करिए, अगर इसको निशाने पर लिया गया इसराइल को, इस बारे में भी फिर अच्छे से पता ही होगा कि चौतरफा वो घिर जाएगा, तमाम देशों की तरफ से दबाव आ जाएगा उसके ऊपर, क्योंकि सबकी जो इकोनॉमी है ऑयल बेस्ड वो हिल जाएगी। शिल्पा जी, वो ऑलरेडी घिरा हुआ है, वो एक छोटा सा टेंट लेके आया था जिस टेंट को बढ़ाता चला गया। आज इस बात की बात होती है कि उसके दो नेशन की बात होती है, कभी नहीं करता वो, और चाहे यूएन में जाए चाहे कहीं जाए, उसको कोई ज्यादा सपोर्ट भी नहीं। हमारा इंडिया भी जो है न्यूट्रल हो जाता है। देखिए, जो बात सच्ची है वो सच है, और मैं वहां गया उस कंट्री में भी, ऐसा नहीं है, इन्होंने चारों तरफ से गेम, फिर इसे माना जा सकता है इस तरह से ओपन चैलेंज करना, इस तरह से खुली धमकियां देना। फाइनल कमेंट आपका, टीपी त्यागी साहब। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 1967 से पहले इजराइल टू नेशन थ्योरी को मानता था, वो तो खुद कहता था। अब ये कहना कि इजराइल नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि हमास और हिजबुल्ला के चार्टर में पहली लाइन ये है कि यहूदियों का सत्यानाश करो, इन्हें खत्म करो, इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। अगर वो ऐसा कहेंगे, वो टू नेशन थ्योरी नहीं मानते, तो फिर इजराइल भी नहीं मानेगा। लेकिन 1967 से पहले मानता था, नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको जिक्र किया कि जो चाइना का ट्रेड है, वो मैंने आज की बात कही, वो मैंने पुराने टाइम की बात नहीं की। अगर मैंने ड्रोन्स की बात कही तो वो आज की बात कही, पुराने टाइम की बात नहीं कही। आज की स्थिति में अंडरस्टैंड करता हूँ, देश काल पात्र के हिसाब से सारी चीजें बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, मतलब का रिश्ता होता है। अब मतलब कहाँ रह गया रशिया और ईरान में, जब रशिया को अब ईरान के ड्रोन की जरूरत नहीं है बल्कि ईरान को जरूरत है, तो ऐसे में मतलब कहाँ रह गया? और जब मतलब नहीं रह गया तो रशिया सपोर्ट तो करेगा पर उतना नहीं करेगा। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका अनरिलायबल है, किसके लिए? हिंदुस्तान के लिए। ठीक है, आप देखिए, ये जो धमकियां दी जा रही है, ये जो एक्शन की तैयारी ली जा रही है, अभी एक्शन में होगा क्या वो तो ग्राउंड जीरो पर जब उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा तभी पता लगेगा, उसका क्या इंपैक्ट होगा तभी पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्यागी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमीन साहब, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।